दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का ई आई टी आई स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हमारा जो वीडियो या लेक्चर है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जो वर्टिकल कंस्ट्रक्शन वाला जो चैप्टर होता है उसके अंदर हम आज स्पाइरल बनाने जा रहे हैं। और उसके लिए हम R36 यानी कि R36 का एक प्रकार के अंदर चाप लेके उसका वृत्त बनाएंगे। तो यहाँ मैंने वो बना रखा है और यहाँ पर जो R36 हम लेंगे वो इसलिए ले रहे हैं 36 क्योंकि हमको इस 36 की भुजा के 12 बराबर के हिस्से करने हैं। तो वो 36 में जब 12 का भाग देंगे तो 3 3 mm के 12 हिस्से हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम रेडियस लेकर के हम एक वृत्त बना लेंगे R36 का लेके, और उसके 360 डिग्री का एक वृत्त जो होता है वो हमारा 360 डिग्री का होता है। उसको जब 12 बराबर भागों में बांटेंगे तो एक कोण हमारा 30 डिग्री का आएगा। तो हम यहाँ पे चांदे की सहायता से 30 डिग्री के ऊपर बिंदु लगा लेंगे। तो ये 30 60 90, फिर यहाँ पे ये इधर से 30 60 90, और जब ये बिंदु लगा लेंगे तो हम जब पहली रेखा खींचेंगे, मान लीजिए हम ये 30 डिग्री की लाइन खींचेंगे तो इसी को हम पीछे लेके चले जाएंगे तो ये हमारा 30 डिग्री का कोण ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसी तरह जो हम यहाँ पे 60 डिग्री का बिंदु लेकर के जो रेखा खींचेंगे उसको भी हम जब इधर की तरफ खींचेंगे तो उसको पीछे लेके आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे 30 वाली को लेकर पीछे ले जाएंगे और इसी तरह 60 वाली को लेकर के पीछे लेके चले जाएंगे। तो 6 हिस्से हमारे ऊपर हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली 6 हिस्से हमारे नीचे भी हो जाएंगे। टोटल हमारे यहाँ पे 12 हिस्से हो जाएंगे। तो ये करने के बाद हम यहाँ पे इस ये जो हमारी मध्य रेखा थी हॉरिजॉन्टल मध्य रेखा उसके हम 12 हिस्से करेंगे जो 3 3 mm के आएंगे। उसके बाद ये हमने जो 12 हिस्से किए इसके नाम रखेंगे 1-2-3, इस तरह से 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और इसी तरह हमने जो ये 12 हिस्से किए थे इनके भी हम नाम रख देंगे 1, और ये बीच में गैप जगह हमारे पास कम होती है इसलिए हम इसको 1 3 5 7 9 11 इस तरह से इसको देते हैं। तो ये हमारी अब तैयारी हो चुकी है कि अब इसके अंदर हम स्पाइरल बनाएंगे। अब स्पाइरल बनाने के लिए करना क्या है कि हम सबसे पहले चाप लेंगे 0 से लेकर 1 तक का, ये हमारा जो बिंदु है वो है, ये इसको 0 भी मान सकते हैं। तो ओ से लेकर के 1 तक का जो चाप लेंगे उसको हम ओ से लेकर के जो 1' वाली लाइन है उसके ऊपर प्रकार से काटेंगे। तो मान लीजिए ये मेरा चाप है छोटा सा, मान लीजिए ये मैं यहां पे चाप लिया बहुत छोटा सा है यहां पे शुरू का, और इसको यहां नाप के मैं और पहली वाली जो लाइन है उस पे इस तरह से लगा दूंगा और इस बिंदु को रख दूंगा, मैं लिखूंगा P1। क्लियर? पहली वाली O1' की जो लाइन है उसके ऊपर O1 का जो चाप है वो प्रकार में लेकर के यहां काट दूंगा, इसका नाम लिख दूंगा P1। तो यहां पर अपन दूसरा जो हमारा चाप आएगा वो O से लेकर के 2 तक का जो है उसको लेकर के यहां दूसरे वाली जो हमारी O 2' वाली जो रेखा है उसके ऊपर O2 का जो चाप है वो लेकर के काट देंगे और ये बिंदु आ जाएगा हमारे यहां पे P2। क्लियर? उसके बाद हम वापिस से O3 का चाप लेंगे प्रकार में और O3' वाली जो लाइन है उस पे काट देंगे और इसका नाम हो जाएगा हमारा बिंदु हो जाएगा यहाँ पे P3। इसी तरह हम O4 का चाप लेंगे और 4 वाली रेखा पे इस तरह से काट देंगे। फिर हम 5 वाला लेंगे चाप प्रकार में और ये 5 वाली रेखा पे काट देंगे। इसी तरह 6 वाला लेंगे, इसको बढ़ाते चले जाएंगे अपन प्रकार की साइज को। यहाँ पे ये 6 का चाप आ गया और इसको हम इस तरह से यहाँ पे इस तरह से काट देंगे। उसके बाद O7 का लेंगे, तो यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पे ये O7 का आ गया और यहाँ पे इसको 7 वाली जो लाइन थी डैश वाली उसके ऊपर काट दिया। उसके बाद O8 का चाप लेंगे और O8 वाली पे काट देंगे। उसके बाद O9 वाला चाप लेंगे, 9 पे काट देंगे। O10 वाला चाप लेंगे, 10 पे काट देंगे। इसी तरह O11 वाला चाप लेंगे अपन प्रकार में और ये 11 वाली पे काट देंगे और ये 12 वाला यहाँ एज इट इज रह जाएगा। क्लियर? तो हमारे ये बिंदु आ गए P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 और ये बिंदु हो जाएगा हमारा P12। ठीक है, इसको मैं फाइनल बनाने से पहले एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। मैंने यहां पर एक
बिंदु लिया और आर 36 का चाप मैंने प्रकार में भर लिया, 36 एमएम का प्रकार में भर लिया। और वो 36 एमएम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 36 एमएम को हमको 12 बराबर भागों में बांटना है। तो हमने यहाँ पे बदलेगा 35 केंद्र बिंदु से, उसके बाद हमने आर 36 का रेडियस लेकर के एक वृत्त बना लिया। वृत्त बनाने के बाद हमने इसके 12 हिस्से कर दिए, उसके ऊपर 1 3 5 7 9 लिख दिया। यहाँ पर हम इस, क्योंकि हमारा वृत्त जो है 360 डिग्री का होता है, इसको जब बराबर भागों में 12 बराबर भागों में बांटेंगे तो वो एक कोण हमारा 30 डिग्री का आएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 30 डिग्री 60 डिग्री मिल गए, 120 150 और 180 के ऊपर बिंदु लगा लेंगे चांदे की सहायता से। और जो हमारा बिंदु यहाँ आएगा, जब उसको जब इस बिंदु से मिलाएंगे, इसको देखे आप, यहाँ मान लीजिए ये बिंदु आया, इसको मैंने इसको लेकर के और इस बिंदु से मिलाते हुए मैंने ये लाइन खींची ऊपर की तरफ, इसी लाइन को मैं पीछे की तरफ लेके चला जाऊंगा यहाँ। तो ये जो अगर 30 डिग्री का कोण बनेगा तो ये 30 का बन जाएगा। इसी तरह जो 60 वाला आगे बिंदु हमारा ये है, तो मैं 60 को यहाँ से मिलाते हुए पीछे ले जाऊंगा, तो मेरा 60 यहाँ भी बनेगा और 60 यहाँ भी बनेगा। इसी तरह 90 का इधर भी बन जाएगा, फिर 120 का इधर बन जाएगा, 150 का इधर और 180 का ऑलरेडी है। तो इस तरह से हमारे 12 हिस्से हो जाएंगे और इन सभी हिस्सों का नाम है 1-2-3 करके 12 तक लिख दूंगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, अब हम प्रकार लेंगे और ओ से वन, ओ वन का चाप प्रकार में लेकर के ओ वन डैश वाली जो लाइन है उस पर काट देंगे, क्लियर। उसके बाद ओ टू का चाप प्रकार में लेंगे और ओ टू डैश वाली जो लाइन है उस पर काट देंगे, तो हमारा बिंदु यहाँ जाएगा, इसको पी टू लिख देंगे। उसके बाद ओ थ्री का चाप लेंगे प्रकार में और ओ थ्री डैश वाली लाइन उसको काटेंगे तो वो चाप हमारा यहाँ कटेगा। इसी तरह इन सबको हम काटते चले जाएंगे तो हमारे ये बिंदु P1 P2 से लेकर के और P12 हमारा लास्ट में आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या करना है हमें, ये शुरुआत होगी ऐसे, और चूंकि हम ये स्पाइरल बना रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो अब कर्व बनेंगे उसको ना तो आपको प्रकार से बनाना है ना ही आपको स्केल का उपयोग करके बनाना है, केवल हाथ का और दिमाग का यूज करते हुए ड्राइंग शीट को आप घुमाते चले जाएं, क्योंकि ये तो मैं बोर्ड में बना रहा हूँ, ड्राइंग शीट को घुमाते चले जाओगे तो चाप आपका सही बनता चला जाएगा और वो कर्व आकार में होना चाहिए, सीधी लाइन नहीं होगी, क्लियर बात। यहाँ से क्या करेंगे, ये जीरो वाला ओ वाला जो बिंदु है उससे हम P1 को मिलाएंगे कर्व शेप में, उसको हम फिर डैश करते हुए ऐसे जो P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 और P12, इस तरह से हम कर्व शेप में इसको मिलाते हुए चले जाएंगे। हमको फाइनल लाइन बाद में खींचनी है, पहले वो काम डॉटेड से होना चाहिए और डॉटेड भी बिल्कुल हल्के होने चाहिए। जब आपको लगे कि आपके कर्व सारे सही हो गए, उसी के बाद आप उसको थोड़ा सा गहरा करेंगे। यहाँ पे भी मैं बताना चाहता हूँ कि अधिकतर बच्चे जब HB की पेंसिलों का उपयोग करते हैं और एक बार लाइन खींचने पे भी डार्क हो जाती है और दोबारा खींचेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी, तो आपको ज़्यादा डार्क नहीं करनी है, हल्के डैश से शुरुआत करनी है और फाइनल करने के लिए आप उसको इस तरह से मिलाते हुए चले जाएंगे। तो ये हमारा एक स्पाइरल तैयार हो गया, समझ में आ गई बात। दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे तो आपको ये एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को भेजें, जिससे कि जो आपके एग्जाम में इस तरह के अगर कोई सवाल आता है तो उसको आप आसानी से कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चलो बनाओ इसको।